जय हिंद। मैं हृतोष दून डिफेंस ड्रीमर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है परसेंटेज है, जो कि बहुत ही एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आए हैं। कोई भी एग्जाम लाइक हम बात करें सीडीएस की, एफकैट की, या आपके यूपीएससी के एसी या सीसेट में, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में या हर एक क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके साथ, इस चैप्टर के साथ चार पाँच और चैप्टर हैं, पांच और ऐसे चैप्टर हैं जो इसी से जुड़े हैं। यानी अगर आप परसेंटेज को क्लियर अच्छे से करते हैं तो पांच से चैप्टर हैं उन्हें भी आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर कहां से और किस किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर हैं, कि अगर आप परसेंटेज को अच्छे से करते हैं तो कौन कौन से चैप्टर आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, जो इसी से, इसी के आधार पे या इसी पे आधारित हों जो चैप्टर। देखिए, अगर आपका परसेंटेज अच्छे से क्लियर है तो जो अगला चैप्टर आता है ये आता है आपका प्रॉफिट लॉस। हाल में ही जो सीडीएस का एग्जाम होने वाला है 10 अप्रैल को जो एग्जाम है, तो उसमें आप देखें इससे निश्चित ही निश्चित क्वेश्चंस बनने हैं। पांच चैप्टर ये, एक परसेंटेज, ज्यादा से ज्यादा इनसे पांच से लेकर आठ क्वेश्चन बनेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर है किसी भी पेपर में कि किसी एक चैप्टर से पांच या आठ नंबर का आना। अगला चैप्टर प्रॉफिट लॉस के बाद डिस्काउंट, जो परसेंटेज पे ही आधारित है, यानी अगर आपका परसेंटेज क्लियर है तो आप डिस्काउंट कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आपने देखे होंगे जो बच्चे तैयारी में हैं, कि भाई कोई भी दुकानदार किसी वस्तु को इतने प्रतिशत लाभ पे बेचता है, कितना और अधिक कीमत रखे कि और लाभ में बेचे, उस टाइप पे होते हैं, यानी प्रतिशत का प्रयोग होना है वहां पर। अगला देखिए डिस्काउंट, ये अक्सर क्वेश्चन परसेंटेज में होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन की वेराइटी ज्यादा है, इनके लिए अलग चैप्टर रखा गया है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% डिस्काउंट पर बेचता है फिर भी फायदा कमाता है, तो आप उसकी प्रारंभिक कीमत या उसका विक्रय मूल्य, इस टाइप से पूछिए। अगला चैप्टर जो इसी पे बनता है ये आपका बनता है साधारण ब्याज, जिसे SI कहते हैं। इसके बाद जो आता है CI। SI और CI दोनों एक जैसे होते हैं, इन पे ब्याज मिलता है, बैंक प्रयोग करता है कस्टमर को, बैंक जो ब्याज है, जो बैंक है कस्टमर को ब्याज साधारण ब्याज पे देता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा आते हैं कि कोई अमाउंट है उसको 5% के दर पे ब्याज पे रखा गया, 3 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, जबकि ब्याज की दर यही थी। वहीं आपका CI होता है जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज पे जो ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, यानी साधारण ब्याज से एक स्टेप ऊपर आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होते हैं कि भाई बैंक पे रखा है 3 साल बाद 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। अगला चैप्टर जो इस पे होता है ये आपका DI होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं इसे। इसमें आपका डायग्राम होता है, उस पर आधारित चार पांच क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे एग्जाम हैं आपके वनडे के, कोई भी एग्जाम, तो उनमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो CI हो, चाहे वो SI हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, DI हो। यानी परसेंटेज इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसे पढ़ेंगे, ये आपके पेपर के साथ साथ घरेलू जीवन में भी काम आता है। सब्जी लेने जाते हैं या मार्केट में आप कुछ कपड़े खरीदते हैं, आप देखते हैं भाई डिस्काउंट दे रहा है 30% 40%, तो बच्चा वहीं पर कंफ्यूज रहता है कि भाई निकालना कैसे। तो अगर परसेंटेज क्लियर तो आप निकाल सकते हैं कि भाई 4000 की चीज़ है, उसने कहा आपको 10% डिस्काउंट है, 400 रुपये आपके कम हो जाएंगे। वहां पर आपको उनके जो एक्सक्यूटिव होते हैं उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, यानी आप इनका प्रयोग निजी लाइफ में भी कर सकते हैं। चलिए अब जो हमारा काम है वो स्टार्ट करते हैं भाई, कि कहां से और कितने क्वेश्चन इससे आते हैं। सबसे पहले देखिए परसेंटेज एक बेसिक मेथड होता है जो सभी को आना चाहिए, फिर इसके कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी होते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले बेसिक मेथड देखिए, किसी भी चीज का या किसी भी नंबर का, अंक का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सपोज मैंने आपके सामने लिखे 100 का, मैंने कहा 50% निकालिए, 100 का 50%, 50% देखिए कैसे निकालते हैं, 100 × 50 पर के नीचे सेंट, वही आपका 100 हो जाता है। सेंट को ही इंग्लिश में, हिंदी में 100 कहते हैं, यानी किसी चीज का अगर परसेंट निकालना है तो 50/100 किसी भी वस्तु का। अगर वो कहे भाई 100 का 20% निकालें, तो 100 × 20/100% निकालना है इसलिए अपॉन में 100। वो कहेगा 15% निकालें, तो 100 × 15% 100 ये निकल आता है, ठीक है। यानी आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 50 आ जाएगा, 20 आ जाएगा,
15, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। अब देखिए भाई, 100 का 15% 20% 30% हम निकाल रहे हैं, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? बहुत टाइम जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं वो कहते हैं सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया, आप इसका डिवाइड या कुछ और करें। तो जरा मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज मैं आपसे कहूँ 5 का दुगना क्या होगा, 5 का दुगना, 5 का दुगना 10 होता है साधारण भाषा में, 5 × 10, वही भी तो परसेंटेज कहता है। यानी का प्रयोग जब आपका आता है तो दर्शाता है कि भाई आप मल्टीप्लाई करें। मैंने कहा 100 का 50%, यानी 100 का मल्टीप्लाई भाई दुगना 3 × 4 × 10% वही होता है मल्टीप्लाई, और 50% 50/100। यानी कभी भी आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई करके जितना पूछ रहा है उसके नीचे आप 100 रखें, साधारण सा परसेंटेज आ जाता है। जैसे कि कुछ और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मैं आपको कहूं 400 का 25%, 400 का मल्टीप्लाई 25%। भाई परसेंट का मतलब पर के नीचे सेंट, 100 देखना चाहिए, मल्टीप्लाई का के कारण आया, जब इसे काटेंगे ये 4 आ जाएगा और ये 100 ही आ जाएगा। ये आते हैं बेसिक क्वेश्चन जिनमें आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है। अब एक और मेथड आता है जो बहुत काम आने वाला है आपके भी और आपके टाइमिंग को लेके, ये बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए कुछ क्वेश्चंस आगे कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, इनके परसेंटेज निकालने हैं। पहला मेथड है लाइक जो अभी हमने सीखा, वो कह रहा भाई फाइंड 55% ऑफ 420। पहले बेसिक मेथड से देखते हैं, बेसिक मेथड क्या कहता है। बेसिक मेथड कहता है अगर परसेंटेज निकाल लें तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 55/100, 0 से 0 कट जाएगा। क्लियर, का निकालना है परसेंटेज तो वही उसी नंबर से मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए भाई इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 × 10 ये 21 बार, 11 × 11 = 1, 11 × 22 = 23, 231 आ जाएगा। ये आता है पेन मेथड कि भाई आपको पेन चला के कैलकुलेशंस को करना है। अब एक दूसरा मेथड आता है कि भाई आपको इंस्टेंटली कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में जो मेन प्रॉब्लम है वो टाइम की है। परसेंटेज आप आराम से करें, घर में करें, लेकिन एग्जाम में जो 45 सेकंड हमारे पास होते हैं उस टाइम ड्यूरेशन में जो टेन्यूर है उसमें हमने क्वेश्चंस को करना होता है। जरा देखते हैं कैसे इसे करेंगे। चलिए देखिए, कभी भी कोई चीज की हम बात करें, हर चीज की, कोई भी नंबर हो या आदमी होता है, खुद में 100% होता है। ये दूसरा मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक आपने सीख लिया, मल्टीप्लाई करें। दूसरा मेथड कहता है कि भाई कभी भी आप 10, 25, 1%, 2% कुछ भी निकाल सकते हैं दूसरे मेथड से। कैसे? देखिए हर संख्या खुद में 100% होती है। भाई 420 भी खुद में 100% होगी, किसी भी नंबर की बात करें, हर नंबर खुद में 100% है। कोई भी वस्तु 100% है, कोई भी एक आइटम है, कोई भी कोई पर्टिकुलर चीज या कोई भी थिंक, तो खुद में 100% है। लाइक अगर मैं बात करूं भाई 100% बराबर 420, अगर मैं यहां से 1 0 काटूं तो 1 0 बराबर यहां से 1 0 कट जाएगा, यानी 10% बराबर 42। इसी संख्या का 1% कितना होगा, 1 0 यहां से कटेगा, 1 यहां से कटेगा, 4.2। यानी आपने उसका सबसे छोटी इकाई निकाल दी है उसी संख्या की, यानी इसका 1% 42, 4.2, 2% 8.4। अब देखिए उसने पूछा है इसका 55%, यानी 100% बराबर है 420। इसका आधा मैं यदि करूं 50%, 2 से मैंने इसे डिवाइड किया, 2 से इसे डिवाइड किया, 210 हो गया। फिर मैंने क्या किया, 1 0 यहां से काटा, 1 0 यहां से काटा, 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। भाई 50% 4 210 है, 5% की वैल्यू 21 आ जाएगी। उसके बाद देखिए जो यहां पर आएगा, जोड़ दीजिए भाई, हमें तो 55 निकालना है, 50 + 5 कितना होता है 55, वैसे इसे जोड़ दीजिए 231, यही तो आंसर है। अब देखिए यही कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है। अभी तो मैंने आपको समझाया कि भाई हर चीज 100% माने, उसका 50, 10, 5, 1 कितना भी आप निकालें आपको आंसर बताना है। अब इसे जरा दिमाग में करते हैं, और यही ये मेथड है कि भाई आपको कभी भी क्वेश्चंस आए तो उन्हें कोशिश करें कि फर्स्ट आप दिमाग में सॉल्व करें, देन आफ्टर आप पेन का सहारा लें। क्वेश्चन था 420 का 55%, 420 का आधा 210, यानी 100% 420 से 50% 210, 50% 210 है, 5% 21 होगा, 50 + 5 = 55 इधर हो जाएगा, 210 + 21 = 231 आपका आंसर आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का जो अभी हमने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश वही करना कि भाई हम इसे दिमाग से करें,
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो वहां पर तो पेन है ही हमारे पास, पहले हम इन्हें दिमाग से सॉल्व करते हैं। लाइक सबसे पहले मैंने कहा 350 का 22% ब्रेक करें, 100% 350 है, 100% 350, 10% 35, 10% 35 है, तो 20% कितना 70, भाई 10% की वैल्यू 35 है तो 20% की वैल्यू 70, 20% 70 है तो 2% 7, यानी 20 + 2 = 22, 22% बराबर 77, निकाल दिया, 22% बराबर 77। पेन से आप करें जो मेथड में बता रहा हूं, आंसर उससे भी आ जाएगा। आपको पता है कि भाई 100% की वैल्यू 350 है, यहीं से 10 कट जाएगा, 10% 35, यहीं से दुगना कर दो इसी में 20% 70, 20% की वैल्यू 70 है तो 2% की वैल्यू 7 हो जाएगी, भाई 10 यहां से कट जाएगा, यानी 22% की जो वैल्यू आएगी 77। इज इट क्लियर? कोशिश करें कैलकुलेशन जब भी आएगी परसेंटेज निकालने के लिए किसी भी नंबर की, तो माइंड की हेल्प लें, पेन का यूज सेकेंडरी करें। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, मैं आपको दोनों से समझाऊंगा। थर्ड कहता है भाई 450 का 51%, देखिए 450 का आधा 225, अगर आपको जोड़ने में थोड़ा दिक्कत होती है तो आप कॉपी में लिख सकते हैं, 450 का वो कह रहा है 51%, 100% की वैल्यू 450 है, 50% की वैल्यू 225 है, 450 का आधा 225, किसकी वैल्यू 50%, अब वो कह रहा है 1% की, यानी 100% 450, 50% की वैल्यू 225, जब आपके सामने 100% 450 था तो वहां से 1% की वैल्यू 4.5, यानी 51% जो हो जाएगा आपका 225 प्लस 4.5 229.5, आप इसे कर सकते हैं। देखिए कॉपी में भी आप लिख सकते हैं, बट कोशिश करें कि भाई कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो, हमें टाइम देखना पड़ता है 45 सेकंड में, कैलकुलेट भी करना है, आंसर भी लिखना है, वहां पर क्लिक भी करना है पेपर में। देखिए एक 100% की वैल्यू 450, यहां से 1% की वैल्यू 4.5, दोनों जगह 100 से डिवाइड, यानी 1% की वैल्यू 4.5, इन्हें जोड़ दीजिए 51% आ जाएगा, 51% का जो मान हो जाएगा 229.5। इज इट आंसर्स? कोशिश करें दिमाग की मदद लें, बहुत जल्दी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे कि वो कह रहा भाई 640 का 49%, देखिए 640 ब्रेक भी करना सीखे परसेंटेज को, 49 को मैं 50-1 लिख सकता हूँ, 50% माइनस 1% 49 आ जाएगा, साइड में आप चाहिए तो लिख भी सकते हैं कि 49 अगर है तो इसको 50-1 लिखें, 50-1 ब्रेक करना है, 640 का आधा 50% होता है, भाई 640 100% है, आधा 320, 320 माइनस 1% 100% की वैल्यू 640 है, 1% की वैल्यू 6.4, यानी 320 माइनस 6.4 वही तो आंसर आ जाएगा, यानी 0.6 नौ में छह 313.6, इजीली आंसर। यानी ये माइंड की कैलकुलेशंस का यूज करके, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप पेन से लिखेंगे लेकिन कोशिश करेंगे माइंड का ज्यादा यूज करके, जितना भी है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसका कैलकुलेशंस को करें। दूसरा मेथड हमारा वही है भाई, मल्टीप्लाई करें 640 49, टाइम लगने वाला लेकिन इजीली है कि तुरंत उसे ब्रेक किया, 50-1 50 आपको पता है 640 का आधा 320, 320 माइनस 100% 640 है, 1% की वैल्यू 6.4, लेस किया आपका आंसर आ गया इजीली। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, उसे कहा 520 का 33%। देखिए सबसे पहले क्या है, 100% की वैल्यू 520 है, 10% की वैल्यू 52 आएगी, 30% की वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई करें, यहां पर देख लीजिए 520 का 33%, मैं यहां पर आपको करा देता हूं, ठीक है, 100% की वैल्यू 520, 10% की वैल्यू 52, मैं 33 को या 33 को लिख सकता हूं, 30+3 ठीक है, 10% की वैल्यू 52 है, 30% की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, 156, भाई जब 10% आपके सामने 52 है तो 30% 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10% की वैल्यू 52, 30% की वैल्यू 3 × 6, 5 × 3 = 15, 156, 30% 156, 3% कितना हो जाएगा 10 यहां से कट जाएगा 15.6, भाई 10 मैंने यहां से 10 से डिवाइड किया, वही मैंने 10 से डिवाइड किया 15.6, आप जोड़ दीजिए वही तो आंसर है, 6 5 11 का एक बैलेंस है,
171.56, यानी करना तो वही है कि भाई, लेकिन दिमाग की मदद लेके क्वेश्चंस को आगे करना है इजीली करके, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं बनानी है। अदरवाइज अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 520 × 33 / 100 करेंगे तो आंसर तो वही आने वाला है, लेकिन इससे क्या थोड़ा इजी। अगर हमारे एक क्वेश्चन में 10 सेकंड भी बचता है तो लगभग सीडीएस में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रोग्रेशन का मतलब डायरेक्टली हमारे 1000 सेकंड बचने वाले हैं, यानी एक लंबा टाइम पीरियड जो बच जाएगा हमारे काम आएगा, और वहां पर काम आएगा जहां पर एक्चुअली टाइम की जरूरत है। अगला क्वेश्चन फाइनली, वो कह रहा भाई 1050 का आपका 1050 का 36%, यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 1050 का 36%, 36 को हम 30 + 6 लिखें या 40 - 4 लिखें, 40 - 4 यानी 40 - 4 भी आप लिख सकते हैं। 100% की वैल्यू 1050 है, 10% की वैल्यू 105 आएगी, 40% की वैल्यू यानी 105 × 40 420 किसकी, 40% की, 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 40% 420 है, 4% कितना हो जाएगा 42, इसमें से लेस कर दीजिए आंसर आ जाएगा। आपकी एक बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी, जो आप एक लंबा फॉर्मेट बनाएंगे थोड़ा टाइम भी आपका कम लेगा मेथड, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई बहुत इजी हो जाते हैं, एग्जामिनर बहुत अच्छे मूड में होता तो क्वेश्चन ऐसे दे देता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पर फिर हमारा बेसिक मेथड कि भाई आप एक लंबी कैलकुलेशन उसे सॉल्व करें। ये वाला है कि भाई आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे देखे बहुत ईजी है और आपका मेथड लग रहा है, तो आप उसे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब देखिए बड़े क्वेश्चन के लिए भाई हमने क्या है, फिर बड़े क्वेश्चन के लिए हमारा दूसरा मेथड है, चलिए ये हो गया। अब देखिए ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये कुछ लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो कहता भाई कभी भी ना आप किसी वस्तु का 50% निकालें या 1/2 निकालें, एक ही चीज है, देखिए इसे ऐसा समझते हैं। मैंने कहा भाई 20 का आधा कितना होता, आधा का मतलब 1/2, 20 का आधा होगा 10 साधारण भाषा में। वही मैं कहूं 20 का 50%, तो 50% का भी मतलब कितना होता है, 20 का 50%, 50% का मतलब 50/100। अगर मैं इसी को यहीं पर कैलकुलेट करूं तो ये 1/2 तो है, यानी किसी भी संख्या का आप 50% निकालें या 1/2 निकालें इजी रहेगा साधारण भाषा में, यही तो कहना चाह रहा है एग्जाम में। देखिए इसका हमें मदद कहां मिलने वाली, इसकी मदद यहां पर मिलने वाली, मैंने कहा 1218 का 50%, या तो मैं क्या करूं 50/100 कैलकुलेट करूं इसे लेंथी कैलकुलेट, या मैं डायरेक्टली इसका 1/2 निकालूं, यही तो आंसर है। तो कुछ ट्रिक हैं जो कैलकुलेट को थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करती हैं, इजीली करती हैं, जो आपको याद रखना है। चलिए भाई जरा देखते हैं, पहले उसने कहा कि भाई 1/2 लिखें या 50% निकलें, यानी 50% निकालें 1/2 निकालें, सेम थिंग है, सेम आंसर आने वाला है। वही 33.33 निकालें या 33 से 1/3 निकालें या 1/3 निकालें, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे मैं बोलूं भाई 100 का 33.33% आप निकालेंगे तो वही होगा, या 100 का 1/3 निकालें आंसर सेम आने वाला है। अगला देखिए वो कह रहा भाई 1/4 या 25%, ये आपको याद रखना है, 25% निकालें या 1/4 निकालें, सेम थिंग है, आंसर सेम आने वाला है। अगला है 1/5, किसी भी वस्तु का 1/5 निकालें या 20% निकालें, क्योंकि 20% ही 20/100 होगा, 1/5 आंसर सेम आने वाला है। उसके बाद है अगला 1/6, किसी भी संख्या का 1/6 निकालें या 16.66 निकालें, एक ही चीज को एक ही आंसर को दर्शाता है। अगला है उसके बाद 1/7, किसी भी वस्तु का 1/7 निकालें या 14 से 2/7 निकालें या 14.28, याद करने के लिए क्या है भाई 1/7 है, 7 का दुगना 14 का डबल 28, यानी 1/7 निकालें या 14.28% निकालें आंसर सेम आने वाला है। 1/8 निकालें या 12.5 निकालें आंसर सेम आने वाला है, यानी किसी भी वस्तु का अगर वो 12.5% कह रहा है तो आप उसका डायरेक्टली 1/8 निकालें आंसर सेम आने वाला है। 1/9 निकालें 11, इसको और 11 को याद करने की छोटी सी ट्रिक है कि भाई 1/9 और 1/11 यदि आपको निकालना है तो 9 कहता कि भाई आप 11 को लिखो, 11 कहता आप 9 को लिखो, यानी 1/9 कहता है कि भाई इसकी जो वैल्यू है 11.11, वहीं 1/11 कहता है भाई 9.09, दोनों अच्छे दोस्त हैं 1/9 और 1/10,
यानी आपको याद करना है कि कहीं पर 1/9 निकालने के लिए अगर कह रहा है तो 11.11, 1/11 निकालने के लिए कह रहा है तो 9.09। दोनों दोस्त हैं इसलिए दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, जैसे आजकल के विद्यार्थी देते हैं, पढ़ाई में सहयोग करते हैं और ना पढ़ने में सहयोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई या तो हम बहुत अच्छे से पढ़ें या तो हम हल्के हल्के पढ़ें। चलिए आगे करते हैं, अगला है हमारा 1/10, 10%, 1/11, 1/12 देखिए 8.33 या 8 से 1/3, यानी किसी भी वस्तु का आप 8 से 1/3 निकालें सेम आंसर आता है। अगला देखिए 1/13, भाई 13 का स्क्वायर होता है 169, तो याद करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि 69 तो आने वाला है लेकिन 7 के रूप में आएगा, 7.69 आएगा, 13 का स्क्वायर 169, 69 हट जाएगा 7.69। उसके बाद आता है 1/14, देखिए 14 का आधा, यहां पर हम क्या कर रहे थे 7 का दुगना 14, 14 का दुगना आधा, यहां पर क्या करना है 14 का आधा कितना आ जाएगा 7, फिर उस 7 का दुगना कितना आ जाएगा भाई 14, यानी 1/7 निकालें या 7.14 निकालें। अगला है 1/15, 1/15 किसी भी वस्तु का 6.66, 1/16 किसी भी वस्तु का 6.25, यानी कहीं पर पूछा 6.25 निकालें तो आप उसका 1/16 निकाल लीजिए, सेम आंसर आने वाला है। वही फ्रैक्शन के रूप में 6 से 1/4, यानी कहीं पर एग्जामिनर ने दिया 6 से 1/4 निकालें या 6.25 निकालें तो आप डायरेक्टली कितना निकाल देंगे उसका 1/16। अब देखिए 17, 18, 19, ये तीनों कहते हैं कि भाई 5 आएगा, और 5 कैसे आएगा, पहले डबल 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 बाद में 26, यानी 5.88, 5.55, 5.26, ये आपको याद रखना है। फ्रैक्शन के रूप में देखिए क्या होता है भाई, 5 से 15/17, ये इसलिए होता है क्योंकि 1/17 आप निकालेंगे 100/17, 75 जा 85, 15, यानी 5 से 15/17 आप निकालें या 100/1/17 निकालें सेम थिंग आता है, यानी किसी भी वस्तु का 5 से 15/17 निकालो या 1/17 निकालो सेम थिंग है, सेम आंसर आने वाला है। अगला 1/18, 5.55, 5.26, आपको सिंपली याद करना एक बेसिक, अगर आपको टाइम लग रहा है भाई 1/17 क्या होगा तो कोशिश करें 100/2 करें 50 आएगा, 100/3 करें 33 पॉइंट, 100/4 अगर आपको डाउट आ रहा है कि भाई किसका 1/4 किसका है या कैसे निकालना है 1/4 का, तो 100/4 करें, 100/5 करें, 100/ सब के नीचे आप 100 के नीचे नंबर लिखें, सबके आंसर आपको आ जाएंगे। ये आपको याद करना बहुत काम आने वाली अगले जो क्वेश्चंस हैं, या परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कहीं भी आम आने वाला है ये सब चलेगा। और ये जो टेबल है आपकी, ये आपका SICIDI तक ऑलमोस्ट चलता है, यानी आपका बेसिक है लेकिन बहुत अच्छे काम आने वाले। चलिए आगे चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन है भाई, अभी तो बेसिक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखें कैसे निकालेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। अब देखिए जो पहला मेथड था वो बेसिक मेथड था, सेकंड हमने कहा था कि भाई कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आप कोशिश करें कि भाई दिमाग से दूसरा मेथड लगा के उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके, सेम पहला और दूसरे को मिला के ये वाला मेथड है। वो कह रहा भाई 333 का 33.33 निकाले, पहला मेथड कहता कि भाई आप इसे ऐसे सॉल्व करें इससे भी आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए, अगर हम पहले वाले दूसरे वाले मेथड से करें इसका 33.33 निकालना है, ठीक है किसी भी चीज का, तो इसे हम लिख सकते हैं 33.33%, ठीक लिख सकते हैं किसी भी वस्तु का 33%। देखिए 333 का 33% कितना होगा आपको अभी बताया 1/3, ठीक है, यानी किसी भी वस्तु का 33% आप निकालो 1/3 आ जाएगा। अगला देखिए वो कह रहा है 0.33, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा 111 आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है सेपरेटली मैं इसका निकाल सकता हूं 0.8 हट जाएगा, सौ नीचे आ जाएगा क्योंकि भाई 0.33% है, 1/3 आपका 33 होता है लेकिन 0.33 आपका 1/3 सौ हो जाएगा, 3 से 1 1 कट जाएगा 2 0 आ जाएगा, तो भाई 1.11 यही आपका आंसर हो जाएगा 112.11। पहला यानी किसी भी वस्तु का आप बेसिकली निकालें तो आपका इस टाइप से आंसर आने वाला है। अगला देखिए भाई वो कह रहा भाई 114.28% निकालना है, ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। चले
देखिए ये क्वेश्चंस क्या होते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनर बनाता है, अदरवाइज अगर आपको टेबल याद है तो बहुत इजीली आपके हो जाते हैं। देखिए वो कह रहा भाई 770 का 114.28% निकाले, 114.28 को हम 100% प्लस 14.28% लिख सकते हैं, यानी इसी संख्या का 100% निकालो फिर 14.28% निकालो वही आंसर आएगा। देखिए इसी संख्या का 100% क्या होगा, आपको भी बताया कि भाई किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होगी, यानी 770 का 100% वही होगी। अब 770 का 14.28 निकालना है और आपको अभी बताया कि किसी भी संख्या का 1/7 निकालो या 14.28 निकालो, सेम आंसर देता है तो 1/7 लिखें, 7 × 7 = 7, यानी 770 प्लस 110 806 का आंसर होगा। वहीं अगर आप इसे कैलकुलेशन पे जाएंगे तो आप समझ सकते हैं आपका कितना टाइम खर्च होने वाला है, आंसर को तो पता नहीं कि भाई आंसर आएगा भी नहीं लेकिन टाइम बहुत जाने वाला है। अगला देखें, यानी टेबल जस्ट आपको इस चीज को बहुत इजीली आंसर दे देगा। अगला देखें वो कह रहा भाई 570 का 305.6, अगर हम मल्टीप्लाई करें 570 इंटू 305/6 इंटू 100 तो एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन आने वाली। बेसिक क्या कहता है, बेसिक विद हमारा टेबल वो कहता है कि भाई 500 570 का निकालना है 305.26, इसको हम लिख सकते हैं 300 प्लस 5.26%, सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं आंसर सेम आने वाला है। 570 का 300%, हर संख्या खुद में 100% होती है, 200% निकालेंगे तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई, 300% निकालेंगे तो 300 मल्टीप्लाई, यानी 570 का 300% उसमें 3 से मल्टीप्लाई, 0, 7 3 21 का 1, बैलेंस 2 5 3 15 16 17, 1710 इसका तिगुना आएगा। अब देखिए इसी संख्या का 570 का 5.6, अगर आपको टेबल में याद होगा तो 1/19 की वैल्यू 5.26% के बराबर होती है, यानी किसी भी संख्या का 1/19 निकालें या 5.26 निकालें आंसर सेम आने वाला है, यानी 1/19 19 3 57 30 बार कट जाएगा, यानी 570 का ये इतना था और 30 और ये आपका आंसर आ जाएगा, 0 3 1 4 7 1, ये तो हमारा आंसर है। यानी परसेंटेज की एक बड़ी वैल्यू को आप बहुत इजी कर सकते हैं। दूसरा मेथड यदि आप अप्लाई करते तो ये कुछ ऐसा होता, 570 × 305.26/100, बाकी आप जान ही सकते हैं कि इसके कैलकुलेशंस कहां पहुंचे कि वो कहां तक आंसर आएगा, पूरा टाइम हमारा इसी कैलकुलेशन में चल जाएगा। एक्चुअली देखिए एग्जामिनर को भी पता है कि भाई ये सारी चीजें होती हैं, बच्चे ने पढ़ा है, ये मेथड है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन रखता है कि जो इसी टेबल पे आधारित हो। अगला देखें भाई 1800 का 5 से 5/9, 1800 का 500 प्लस 500% प्लस 5 से 5/9, ठीक है। अभी यदि आप टेबल देखें, टेबल में 2-3 नंबर थे, सबसे पहले आपको पता भाई 1/17 की वैल्यू 5.88, 1/18 की वैल्यू 5.55, वही 5 से 5/9 होता है, 9 × 5 = 45, 5 = 50/9, सेम थिंग, यानी 1/18 ही 5.55/9 होता है, यानी इस संख्या का 500% और इसी संख्या का 5 से 5, यानी 1800 का 500%, यानी हर संख्या खुद में 100 होती है, उसमें 5 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 18 × 5 = 90, 9000 प्लस 1800 का 5 से 5/9 या 1/18 आंसर आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी जो आंसर है 1900 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे वहां पर और बताएंगे कि भाई ये मेथड इजी है या वही बेसिक मेथड से हम करें कि मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज जब स्टार्ट करते हैं तो बेसिक में आते हैं कि भाई आप कोई संख्या किससे कितनी ज्यादा कितनी कम है, तो बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि किसके रिस्पेक्ट में बताना है कि कौन कम कौन ज्यादा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए अभी जो क्लास है परसेंटेज के बेसिक है, ये आपका बेस बनाती है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से करें आप लोग, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उनको कोशिश करें बेसिक से भी, और जो दूसरा शॉर्टकट मेथड है उससे भी कराई कोशिश करेंगे। चलिए इसको जरा समझते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं, काफी क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि भाई ए की सैलरी बी से इतनी ज्यादा थी, बी की सैलरी ए से इतनी ज्यादा थी, कुछ क्वेश्चन लिखे मैंने 2 क्वेश्चन।
दिस सैलरी ऑफ ए इज 25% मोर देन बी. वो कह रहा भाई कोई दो भाई हैं ए और बी, ए इज 25% मोर देन बी. अगर बी की 100% है तो इसकी इससे कितनी ज्यादा है, 25%. ठीक है, यानी अगर उसकी सैलरी 100 रुपए है उसकी 125 है, ये तो रेशियो कहता है या परसेंटेज कहता है. वो कहता भाई बाय व्हाट परसेंट बी सैलरी लेस देन ए. वो कह रहा भाई बी की सैलरी ए से कितनी कम है, यानी ए के रिस्पेक्ट में बताना है कितनी कम है. जरा हम देखें भाई, ए की सैलरी 125 है, बी की 100 रुपए है, यानी परसेंट को अगर मैं हटा दूं तो ए की सैलरी 100 रुपए की 125 है, बी की सैलरी इससे कितने रुपए कम है, 25 रुपए कम. और वो कह रहा भाई किसके रिस्पेक्ट में बताना है, ये ध्यान रखें कि किसके रिस्पेक्ट में होता है, यानी किससे पूछ रहा है कि किससे कम है. भाई वो कह रहा है कि भाई बी की सैलरी बताओ ए से कितनी कम है, ए से यानी ए की वैल्यू 125 × 100, परसेंट से परसेंट कट जाएगा 1/5, 5 से कट जाएगा 20, वही आपका, यानी बी की सैलरी ए से 20% कम है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये तो पूछना चाह रहा है कि भाई आप बताइए कितना कम है. सेकंड क्वेश्चन, इस चीज का ध्यान रखिए कौन किससे कितना कम है, कौन किससे कितना ज्यादा है. ठीक है, सेकंड, दिस सैलरी ऑफ ए इज 20% लेस देन बी. भाई वो कह रहा है सैलरी ऑफ ए 20% लेस देन है बी से. भाई बी की सैलरी से में ज्यादा है, 100 है और इसकी 20% कम है, यानी 100 में से 20 घटाएंगे 80. रेशियो मेथड कहता है कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 5 है तो ये 4 है, रेशियो में लिखें परसेंट भी आएगा वो कट जाएगा, 5 है सैलरी 4 है, यानी ए और बी की जो सैलरी अगर इसकी 5 है तो इसकी 4 है. वो कह रहा है व्हाट परसेंट बी सैलरी मोर देन ए. वो कह रहा है भाई बी की सैलरी ए से, व्हाट परसेंट बी सैलरी मोर देन ए, ए से कितनी ज्यादा है, ए के रिस्पेक्ट में तो ए नीचे आएगा, कितनी ज्यादा है, इसके 4 है इसके 5, 1 × 100, 25% ज्यादा है भाई, बी से 25% सैलरी ज्यादा लेता है, यही तो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन. इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे एक राय है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं इसी टाइप से. एक क्वेश्चन आता है कि भाई ए बी 4-5 आदमी देता हो, लाइक मैंने कहा 4-5 आदमी है, कि भाई ये बच्चों को काफी डाउट रहता है इसमें, सर कौन किससे कितना कम, कौन किससे कितना ज्यादा, इसको जरा ऐसा समझे. 100, 150, 200, 250. इस क्वेश्चन को जरा समझ लीजिए कौन किससे कितना ज्यादा है. मैंने पूछा भाई डी की सैलरी ए से कितनी ज्यादा, ए के रिस्पेक्ट में 100, ए से कितनी ज्यादा है, भाई उसकी 250 है इसकी 100 है, 150 ज्यादा, इंटू 100, ठीक है, इसकी सैलरी इससे भाई 150% ज्यादा है. अगर हम परसेंट की बात करें या नंबर की बात करें, इसकी सैलरी इससे कितनी ज्यादा है. वही मैं बोलूं भाई सी की सैलरी ए से कितनी अधिक है, सी की सैलरी ए से, भाई इसकी सैलरी 200 है इसकी 100 है, ए के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा है, 100. अब परसेंट मैं पूछूं तो इंटू 100, यानी 100% ज्यादा है इसकी सैलरी किसकी, सी की सैलरी ए से. सबसे पहले था ए और डी के रूप में कि भाई डी की कितनी ज्यादा है, दूसरा था कि भाई सी की कितनी ज्यादा है. अब आता है कम की बात करता है कि भाई ए की सैलरी सी से कितनी कम है, ए की सैलरी सी से कितनी कम है, ए की सैलरी सी से कितनी कम है, तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो नीचे आएगा. और कितनी कम है, 200 से 100 कितना कम है भाई, 100, 200 - 100 × 100, 50% कम है उसकी सैलरी. तो ये आपको ध्यान रखना कौन किससे कितना ज्यादा है, कौन किससे कितना कम है, ये क्वेश्चंस में आता है. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, निकले एक रेशियो मेथड आता है जो भी हम करेंगे, जो आगे के चैप्टर्स हैं, जिनमें ए की सैलरी बी से 10% ज्यादा, सी की सैलरी उससे 20% ज्यादा, डी की सैलरी उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा. तो इस टाइप के क्वेश्चंस है, बेसिक आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे, सीडीएस के एग्जाम या किसी भी एफ कैट के एग्जाम, बहुत एग्जाम में काम आने वाला है, और जो आगे के हमारे चैप्टर हैं उनमें भी बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं. तो इनको आप अच्छे से करें, जो भी डाउट होता है आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है उस पर करें, या हमारा टेलीग्राम है वहां पर पूछ सकते हैं. आज के लिए इतना ही, और आप बने रहें हमारे चैनल के साथ. थैंक यू क्लास.